सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो का टाइटल है 200 यूरो में कैसे आप लिथुएनिया में जी सकते हो एक महीने के अंदर। तो भाई 200 यूरो एक महीना, यूरोप की कंट्री, बर्फ पड़ती है इसमें -20, और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 200 यूरो में, जिसमें आप हर दिन प्रोटीन शेक टाइप पियोगे एक, ठीक है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह की कोई कमी नहीं होने वाली। इसमें की कंजूसी करके बता रहा हूँ, कंजूसी से रहना है और फिर आप 200 में रह सकते हो, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी खाओ पियो और उसके बाद अपना जो है बनाओ वगैरह सब कुछ है, और उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ 200 यूरो में जो है आप यहाँ पे एक महीना पूरा निकाल सकते हो। तो भाई शुरू करते हैं कैसे। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाई यहाँ पे रूम रेंट पे। रूम रेंट भाई यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो अनडेवलप्ड बिल्डिंग है उसमें रहना पड़ेगा, और उसका रेंट है 80 यूरोस पर मंथ। उसके प्रॉफिट जो है भाई सारा प्रॉफिट एक ही है कि 80 यूरो में पूरा महीना जो है हमें रहने को मिलेगा, ना कोई हमें उसमें यूटिलिटी का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह, ना कोई अलग बिल देना है, और हमेशा कभी भी जाओ कभी भी आओ वो सब एक प्रॉपर जो है वो वाली फैसिलिटी रहती ही है। ऐसा कोई नहीं कि रिस्ट्रिक्शन आवर्स है, ऐसा नहीं है। तो 80 यूरोज में आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, और इस अकॉर्डिंग ही मैं अपना आपको पूरा जो है बता रहा हूँ कि कैसे 200 यूरो में एक इंसान यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद हमारा दूसरा बड़ा खर्चा आ जाता है ग्रॉसरी का, जो आपका खाना पीना और इन सब चीजों का है। तो भाई ग्रॉसरी आप कुछ भी करो, कुछ भी खरीदो, मैंने लिटरली अपना एक्सपीरियंस कराए, मेरा बस 60 यूरोज आ रहा है पर मंथ ग्रॉसरी का, 15 यूरो पर वीक मैक्सिमम आता है, जिसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, हफ्ते में एक बार पनीर की सब्जी रहती है, और सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खाते नहीं है या एक टाइम खाना खा रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर जो है खाना वाना रहता है। और उसके बाद जो है 60 यूरो पर मंथ आ रहा है, मैं फिर भी इसको 80 लेके चल रहा हूँ, तो ऐसे है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, मैं इस बजट में आपको ये नहीं बता रहा कि आप बाहर भी खा के आ जाओ या पार्टी कर लो या वो, इसमें आपको बनाना हर दिन पड़ेगा खाना। तो 80 यूरो हो गए हमारा जो है डॉर्मेट्री का खर्चा, 80 यूरो हो गए हमारा जो है ग्रॉसरी का खर्चा, 160 यूरो ये टोटल हो जाता है। अभी भी हमारे पास 40 यूरो बचते हैं। अब हमारा क्या एक्सपेंस है इसके अलावा? भाई इसके अलावा हमारा एक मेजर एक्सपेंस आ जाता है जो कि इंटरनेट का है, जो कि सिम का है, कि हमें भाई हर वक्त अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिनके पास आईजी कार्ड है, एक पिल्ड कंपनी है, वो अपनी सिम पे डिस्काउंट देती है, और मात्र 10 यूरो में पूरे महीने का रिचार्ज हो जाता है, अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड एसएमएस एंड अनलिमिटेड गीगाबाइट्स ऑफ इंटरनेट। तो भाई ये रहता है पूरा का पूरा इंटरनेट का, 10 यूरो सिर्फ इस पे खर्च करने हैं हमें, तो ये हो जाता है महीने के 170 यूरो। अब हमारे पास आती है अगला खर्चा, और जो कि है बस की टिकट। भाई अब सिटी में रह रहे हैं, सिटी से ओल्ड टाउन जाएंगे, ओल्ड टाउन से सिटी जाएंगे, क्लासेस जाना है, इधर उधर घूमना है, पूरा विल्नस घूमना है, तो उसके लिए करना तो पड़ेगा ना, तो बस आ जाती है उसके लिए। भाई बस सर्विस यहाँ पे बहुत अच्छी है, मैं लिटरली एक जर्मनी और फ्रांस के बंदे से मिल चुका हूँ, और उन्होंने लिटरली सबसे पहले मेरे को ये बोला कि लिथुएनिया का बस सर्विस जो है बहुत अच्छा है। तो वो बात मैं ध्यान में रखते हुए बस ही सजेस्ट करूँगा। ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को बस की टिकट पड़ती है मात्र 6 यूरो की, 6 यूरो की बस टिकट पड़ती है भाई हमको, ये हो जाता है 176 हमारा टोटल। भाई टोटल होने के बाद 176, अभी भी हमारे पास 24 यूरोस जो है बचा है। इस 24 यूरोस में कभी ग्रॉसरी ऊपर भी हो जाए अगर आपकी इनकेस, कभी नीचे भी हो जाए, डिपेंड करता है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, या कोई एक एक्स वाई जेड खर्चा हो गया या कुछ भी एक्स वाई जेड खर्चे में आप कुछ भी ले सकते हो,
कुछ भी ले सकते हो आप, मेरे पास उसका तो कोई एग्जांपल है नहीं खैर लेकिन आप कुछ भी उसमें ले सकते हो भाई। 24 यूरो है, इसको ऐसा करते 25 कर देते, 201 हो जाएगा, शगुन का एक भी हो जाएगा। तो भाई ये था इस वीडियो का सब कुछ, और इसमें यही था कि कैसे 200 यूरो में आप यहाँ पे रह सकते हो, पूरा अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो यही था भाई इस वीडियो में कि 200 यूरो में आप, मैंने पूरा बता दिया कि कैसे क्या सारी चीज़ें जो है हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।